तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो पीयू में स्पॉट राउंड आज से है, तो पहले दिन मगध महिला कॉलेज के लिए आप जो है सो आवेदन कर सकते हैं। क्या है पूरा प्रोसेस नहीं है जानते हैं, देखते हैं आगे वीडियो में। और आपको बता दूं कि ये जो है सो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए है। तो चलिए, और आपको अगर लगता है कि आपका कोई मतलब दोस्त यार मित्र चाहे रिलेटिव हो कोई भी हो, तो आप उसको वीडियो को जरूर शेयर करें कि वो लोग जो ग्रेजुएशन में नामांकन को मिस नहीं करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे वीडियो। तो पटना विश्वविद्यालय पीयू में स्नातक प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए स्पॉट राउंड की प्रक्रिया सोमवार से ऑनलाइन प्रारंभ होगी। जी हाँ, देखिए तो स्पॉट राउंड की प्रक्रिया जो है सोमवार से प्रारंभ होगी, यानी कि आज सोमवार है तो कल आज जैसे सोमवार है तो प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो गई है। तो पहले दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मगध महिला कॉलेज के लिए आवेदन किए जाएंगे। जी हाँ, देखिए सुबह 10 से शाम 4 यानी कि ऑफिस टाइम में जो है जाके आप आवेदन कर सकते हैं। इसका परिणाम 23 नवंबर को जारी किया जाएगा। जी हाँ, देखिए 23 नवंबर को इसका परिणाम जारी किया जाएगा। तो इसी दिन चयनित अभ्यर्थी शुल्क जमा कर 24 नवंबर को कॉलेज में अपना नामांकन सह कागजात सत्यापन करा सकेंगे। यानी 24 नवंबर को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास, एकदम टाइम का बोले तो बिल्कुल नहीं है। आज जो है सो अगर आप देखा जाए तो आज आपको 22 नवंबर हो गया। अब बताइए 23 नवंबर को इनको और टाइम बढ़ाना चाहिए था। 23 नवंबर को जो है सो परिणाम जारी किया जाएगा और 24 को जो कॉलेज में अपना नामांकन सह कागजात सत्यापन करना, मतलब अभी भी आपका अगर कोई दोस्त कोई रिलेटिव कोई मित्र अभी छूट रहा है उसको तुरंत ये वीडियो भेजिए, उसको तुरंत बोलिए वो लोग अप्लाई करना स्टार्ट करेगा, नहीं तो उन लोग को जो है सो फिर मिस हो जाएगा। समझ गया, मगध महिला कॉलेज का ये मतलब है और मिस हो जाएगा वो लोग, फिर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इसके बाद 24 नवंबर को पटना साइंस कॉलेज में नामांकन के लिए आवेदन किया जाए। देखिए उसके बाद 24 नवंबर को पटना साइंस कॉलेज में नामांकन के लिए आवेदन किया जाएगा। 25 को परिणाम आएगा। देखिए बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस किया जाए, 24 को आया फॉर्म, 25 को जो है सो उसका परिणाम आ गया, 26 को नामांकन और 26 को जो है सो नामांकन मतलब एडमिशन हो गया। 26 नवंबर को पटना कॉलेज व वाणिज्य महाविद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन किया जाए। 26 को देखिए पटना कॉलेज वाणिज्य में मतलब वाणिज्य में जो है सो मतलब नामांकन के लिए आवेदन किया गया। 27 को परिणाम आया और 28 को जो है सो काउंसलिंग सह नामांकन होगा। तो टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं आपके पास। आप जल्दी से जल्दी अपने सभी रिश्तेदारों को वीडियो रेफर कीजिए, जिनका भी इस वर्ष मतलब 12th कंप्लीट हुआ है वो चांस मिस नहीं कर सकते हैं, मिस कर गए कहानी ख़त्म। तो 28 नवंबर को BN कॉलेज के लिए ऑनलाइन आवेदन, देखिए 28 नवंबर को BN कॉलेज के लिए आवेदन करना है, 29 को परिणाम, 30 को काउंसलिंग और उसी दिन जो है सो फिर नामांकन। तो टाइम नहीं है दोस्तों, जितना ज्यादा ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, तुरंत शेयर कीजिए दोस्तों, टाइम नहीं है उनके पास। और आप समझिए अगर आपका एक शेयर किसी का जिंदगी जो है सो आबाद कर सकता है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए, इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।